नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ खंडवा के इंदौर रोड निवासी ईंट व्यवसायी मौजूद हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या समस्याएं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश प्रजापति, खंडवा से जिला अध्यक्ष, प्रजापति समाज खंडवा से। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याओं को लेकर आप आए हैं? कि सनावत बड़ोस से बहुत अवैध तरीके से भारी मात्रा में व्यापारी और अन्य दलालों के माध्यम से ओवरलोड तरीके से गाड़ियां परिवहन हो रही है खंडवा में, और रात और दिन दोनों टाइम आ रही है। और हम पुलिस विभाग को, आरटीओ साहब को भी इसके माध्यम से कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, उनको कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। बाकी उनकी भी खाली नाम मात्र की कार्रवाई के बाद बंद हो जाती है, और जिस दिन कार्रवाई होती है उस दिन गाड़ियां नहीं आती, उसके दूसरे दिन फिर ओवरलोड चालू हो जाती है। अच्छा। और उधर से इतनी भारी मात्रा में आ रही है कि हमारे खंडवा जिले का पूरा व्यापार ठप हो चुका है। अच्छा। हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसलिए हम शासन को बार बार जागरूक कर रहे हैं कि शासन अवैध रूप से अवैध कार्रवाई करे, अवैध तरीके से जो माल आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगा। इसी माध्यम से खंडवा कलेक्टर के सामने आज जन सुनवाई के दौरान प्रजापति समाज उपस्थित हुए जी। और भी लोग मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाशिव प्रजापति, ईंट भट्टा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ जी। क्या कहेंगे सदाशिव भाई आप? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि जो और लोड ट्रकों में ईंटें भर भर के आ रही है, जहाँ 5,000 ईंट भरने की क्षमता है वो 12,000 ईंट भर के ला रही है, जिससे हमारा व्यापार पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। इससे हमारे पूरे प्रजापति समाज के लोगों का आर्थिक संकट में भरा हुआ है जी। हमारे बच्चों की फीसें नहीं भरा रही है, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा सरकार से, कलेक्टर महोदय से, एडीएम साहब से, आरटीओ साहब से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमारी समस्या को सुलझाइए, वरना हमने आवेदन तैयार किया है जिसके माध्यम से हम धरने पर बैठेंगे, चक्का जाम जैसी स्थिति करेंगे। अब भूखा मरता क्या नहीं करता, इसलिए हम इंदौर रोड पर चक्का जाम करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए हमारे कलेक्टर महोदय से ये अनुरोध है कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि सनावद और खरगोन जिले के जो बड़ूत क्षेत्र है, वहां से ईंटें बड़ी संख्या में अवैध रूप से यहाँ खंडवा लाई जा रही है, जिसकी वजह से इनका व्यापार व्यवसाय बुरी तरह से चौपट हो चुका है, और ये लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इनके पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, और घोर आर्थिक संकट में बहुत सारे लोग आए। हम लगभग सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? अशोक प्रजापति। क्या कहेंगे अशोक भाई? सर यही है कि ये जो अवैध तरीके से जो ईंटें आ रही है जी, इन पे थोड़ा रोक किया जाए। हाँ। तो हमारा माल भी बिकेगा जी। अब प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं देता इसके बारे में जी। यदि हम रोकने जाते हैं जी, तो हमारे को वहाँ से हटा दिया जाता है जी, और उसके बाद गाड़ियाँ अंदर एंट्री होती है जी। तो फिर हमने क्या करना जी? भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजानंद प्रजापति है। गजानंद भाई क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो ओवरलोड गाड़ियाँ आती है जी, सनावद बड़ूद और बासवा से जी, तो हम लोगों को सूचना मिलती है कि आज रात में गाड़ियाँ आने वाली है जी, तो हम समाज के 2-4-10 जन इकट्ठे होकर के हम जाते हैं जी, तो पुलिस प्रशासन के एक दो जवानों को हम लेके जाते साथ में, एक दो गाड़ियाँ दी भी, और उसके बाद में उनने कार्रवाई भी की जी, और फिर उसके बाद में उनके पास बड़े बड़े नेताओं के, किसी के, अधिकारियों के फोन आ जाते हैं जी, आ जाओ, तो चमका देते हैं हमारे को और भगा देते हैं। अच्छा। और भी लोग मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? भोला प्रजापति। क्या कहेंगे आप? बस ये ओवरलोड ट्रक आ रहे हैं, सनावत से हमको धमकियां मिलती है, गाली गलौज करते फोन पे, और ओवरलोड को स्थायी रूप से बंद करना चाहते हैं। जी जी जी, ठीक है। और भी लोग हैं भाई। पिंटू भाई क्या कहेंगे आप? मेरा नाम पिंटू प्रजापति है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई अधिकारी जब कार्रवाई करता है तो ऊपर वाले उसको दबा देते हैं। अच्छा। या दो चीज से दबा देते हैं, या पैसों का दबाव से, नहीं तो नेताओं तो दबाव से दबा देते हैं। अच्छा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सत्ता सत कार्रवाई करे, और हम तो पुलिस की मदद दी जाए जी। इसलिए मेरी गुजारिश है प्रशासन से, मुझे हम तो जवान अलर्ट करवाया जाए जी। ये मेरे वो है। ठीक है। और कोई अपनी बात रखेगा भैया? और कोई अपनी बात कहना चाहेगा? आप कुछ बोलेंगे भाई? तो आपने देखा कि प्रजापति समाज के जो लोग आए, उन्होंने एक सूत्री मांग की है कि भाई इनका जो व्यवसाय जो प्रभावित हो रहा है, बाहर से जो ईंटें आ रही हैं इसकी वजह से, तो इस दिशा में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इनके साथ न्याय किया जाए, और जो ईंटों का अवैध परिवहन हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।